बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सांगर मक्का मोटर्स चैनल। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद लुकमान। और गाड़ियों के हवाले से दोस्तों, आजकल में जो आप अफवाह सुन रहे हैं, एक नोटिफिकेशन सुन रहे हैं कि लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि गाड़ियों के ऊपर जो है 25% जो है वो टैक्स लग चुका है। तो इस हवाले से मैं बताता हूँ आपको कि हम जो अभी गाड़ियाँ जो ले रहे हैं या हमने जो ली हैं, तो इस हवाले से उन गाड़ियों के ऊपर ऑलरेडी हम जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। अब अगर टैक्स कोई लगेगा भी तो वो किन गाड़ियों के ऊपर लगेगा, तो इस हवाले से हम आपको बताते हैं। तो 0 to 1400 प्लस सीसी की जो गाड़ियां हैं उनमें, यानी जो आती हैं वो 40 लाख से ऊपर की बजट की जो गाड़ियां हैं उनमें कौन कौन से वेरिएंट हैं जो जिन पर टैक्स लगेगा, अगर लगेगा भी। पहले से हम जो 0 to 1400 सीसी वाली गाड़ियां उन पर तो हम पहले से भी यानी टैक्स पे कर रहे हैं, 25% ऑलरेडी हम पे कर रहे हैं। लेकिन अब जो अगर लगेगा तो फिर वो इम्कान जिन गाड़ियों पर है, वो कौन सी गाड़ियां आएंगी इनमें, वो गाड़ियां मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे साथ रहिए। तो इसमें पहले नंबर पे जो गाड़ी आती है वो सुजुकी कल्टस है, ये एक्सेल का वारंट है 1000 सीसी वाली, सही है। और ये 40 लाख से ऊपर की यानी इसकी कीमत थी, तो इसके ऊपर अगर लगेगा तो 2,42,000 इसके ऊपर लगेगा, ये टैक्स लगेगा। यानी अब जो पहले जो कीमत थी इसकी 40 लाख थी 84,000, तो अगर इसके ऊपर टैक्स लगेगा तो ये 43,26,000 की हो जाएगी। फिर उसके बाद आती है कल्टस एजीएस में, जो एजीएस वाली है वो उसकी प्राइस क्या थी, 43 लाख थी, तो इसके ऊपर अगर सेल टैक्स लगेगा तो ये 2.5 लाख रुपए का इसका सेल टैक्स लगेगा, तो 46 लाख, यानी इसकी कीमत बनेगी फिर 46 लाख। फिर उसके बाद आते हैं सुजुकी स्विफ्ट, यानी जो सुजुकी के वारंट हैं उसमें सुजुकी स्विफ्ट आती है जेएल मैनुअल ट्रांसमिशन वाली, तो इसकी जो करंट प्राइस थी 43 लाख थी, 43,36,000, तो अगर टैक्स लगेगा 2.5 लाख का तो 45 लाख की इसकी प्राइस होगी फिर, अगर इम्कान हो। फिर उसके बाद आते हैं सुजुकी स्विफ्ट जेएल जो है सीवीटी में, तो उसकी जो प्राइस थी 46 लाख थी, अगर टैक्स लगेगा तो फिर 2,70,000 का अगर टैक्स लगता है तो फिर इसकी प्राइस होगी 49 लाख। और आते हैं फिर JLX CVT में, यानी सुजुकी स्विफ्ट जो है उसकी क्या प्राइस थी, फुल ऑप्शन वाली 50 लाख उसकी प्राइस थी, अगर टैक्स लगेगा तो फिर 53 लाख इसकी कीमत हो जाएगी। तो अब आते हैं यानी अगली गाड़ियों की तरफ जिनमें टैक्स लगना है, तो इसमें यारिस भी आती है, यारिस जो जेएलआई है यारिस की एमटी 1.3, उसकी प्राइस जो करंट प्राइस थी वो 43 लाख थी, अगर टैक्स लगेगा इसके ऊपर 2,61,000 तो 46,60,000 इसकी प्राइस हो गया, अगर इम्कान है तो। ये जो नोटिफिकेशन चल रही है इसका सेल टैक्स तो वैसे ऑलरेडी हम पे कर रहे हैं, लेकिन ये सेल टैक्स लगने का इम्कान है, अगर लगता है तो आगे प्राइस ये होगी, ये मैं आपको बता दूं, तो ये आगे प्राइस होगी इन गाड़ियों की। तो फिर उसके बाद आते हैं टोयोटा यारिस जीएलआई सीवीटी में 1.3 जो सीवीटी है, अगर इसकी जो करंट प्राइस थी वो थी 46,79,000, तो अगर टैक्स लगेगा 2,78,000 का तो इसकी प्राइस होगी 49,67,000। फिर आते हैं टोयोटा यारिस एक्टिव सीवीटी 1.3, इसकी जो करंट प्राइस थी वो थी 48 लाख इसकी करंट प्राइस थी, फिर अगर इसके ऊपर टैक्स लगता है 2,91,000 का तो इसकी जो न्यू प्राइस होगी 51,90,000 होगी। तो ये गाड़ियां आएंगी जिनकी, ये गाड़ियां हैं जिनके ऊपर टैक्स लगने का इम्कान है। तो इसके अलावा अभी तक करंट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि अगर करंट नोटिफिकेशन कोई जारी होगा यानी सेल टैक्स लगने का, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। अभी ये सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें चल रही हैं फिलहाल, तो अभी कोई पक्की खबर नहीं आई, अगर पक्की खबर आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। अल्लाह हाफिज़।